बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, जातिगत जनगणना जिसे लेकर किस तरह से सियासी बयानबाजी चरम पर बिहार में रही है, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक, पटना हाईकोर्ट से ये नीतीश सरकार को बड़ा झटका। ये बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, जातिगत जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस सर्वे की बात हो और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए तो ये लाइव पर आओ, शाहनवाज लाइव पर यहीं पर आ जाओ। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, पटना हाई कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने है। तो जातीय गणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की पीठ ने इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा और आखिरी चरण चल रहा है। अब इस पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक, इस वक्त की ये बड़ी खबर बिहार से। तो लगातार विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार के इस फैसले पर सवाल उठा रही थी, और इसी बीच कास्ट सर्वे का जो मुद्दा है वो कोर्ट पहुंचा, और अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अब ये कह दिया है पटना हाईकोर्ट ने, इस पर रोक लगा दी है, यानी जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। अब एक बार जब हो जाएगा ना, अभी हम बोलते रहे, इतना कर रहे हैं, हम लोग साथ नहीं है, सब बोला ही, सब बोले ही थे, सब लोग बोले हैं। अब जब फाइनल हो जाएगा, जब हो जाएगा तब आपके सामने कुछ भी बोलना होगा तो सब बात हम लोग बैठ के बता देंगे, सबके हित में, अपने लिए नहीं, सभी लोगों के हित में जो भी करेंगे करेंगे। लेकिन आपके बारे में बातें बोली जा रही है। प्रशांत झा जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। प्रशांत, ये बड़ा झटका नीतीश कुमार को? ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार को ये बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज ही कहा था कि कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या राजनीति है, वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने दो दिनों की सुनवाई के बाद जिस तरह से इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार सरकार पर, सरकार का ये कोर्ट का ये बड़ा झटका है, ये बड़ा उनको ये रोक दिया गया है। और साथ में कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि अब तक जो डाटा कलेक्ट किया गया है उस डाटा को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा और उस डाटा को बाहर नहीं आना चाहिए, और अगली सुनवाई इसके लिए 3 जुलाई 23 को रखी गई है, जिस पर उस दिन इस पर कोर्ट जो है पूरे विस्तृत से इस पर सुनवाई करेगा। एक चीज और बता दूं कि 5 PIL इसमें दाखिल किए गए थे, जिसमें 1 PIL जो सुप्रीम कोर्ट में था उसको भी यहां भेज दिया। रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जब लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंट्री में स्टे मिला है। अच्छा जी, एक एक Zee News।